If you are honestly preparing for the CAT examination in this year, मतलब 23, that is 26 नवंबर जिसका CAT होने वाला है, 25 अक्टूबर को आपको एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा आपको कौन से सिटी में एग्जाम हो रहा है एंड कौन से प्लेस में आपको हो रहा है, ठीक है ना। वॉट एवर मे बी, अपना अगर उतना करना है तो जो सेक्शनल टाइम लिमिट रहेगा 40 मिनट्स 40 मिनट्स 40 मिनट्स, उसमें आपको पूरा एकदम निचोड़ देना है। मतलब क्या ना, जब आप BRC करोगे दिमाग आप BRC में रहेगा, जब आप BRC बंद होकर आपको DLR चालू हो जाएगा, BRC को आप सोचोगे नहीं, सिर्फ DLR सोचोगे। DLR जब ख़त्म हो जाएगा, जब क्वांट में मूव कर जाएगा, तब आपको DLR को लेकर नहीं सोचना है। ये आपको दिमाग में घुसाना है कि जो बैक जो आपको जो सेक्शन जो है उसको दिमाग में नहीं रखना है। मेरे ओनली आई एम डूइंग एंड आई एम प्रोड्यूसिंग माई बेस्ट एंड दैट सेक्शन। तो ऑलमोस्ट आपने अगर 13 13 13 13 13 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन सब करोगे, सो यू विल बी द ऑनेस्ट रिव्यूइंग अथॉरिटी एंड यू विल गेट दैट चांस मे बी हाउ एवर इट इज़ एज। बिकॉज क्या है ना, जे कैट 23 में आपको कॉम्पोजिट स्कोर का ऊपर डिपेंड करके बहुत चीज़ होते हैं, तो उसमें अगर आपने होगा तो आपको IIM ABC LKI या ना मुंबई से आपको बिल्कुल अच्छा जगह से कॉल आएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो मतलब एक बार पे आपको हो जाएगा, बट हाउ एवर इट इज़ यू हैव टू स्टडी हार्ड फॉर दैट, अदरवाइज अपना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको ऐसा करके पढ़ना पड़ेगा जैसे कि ना आपको कोई भी क्वेश्चन है आपको नहीं रोके, ठीक है ना। मतलब क्या ना, रोकना नहीं चाहिए कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में। मतलब स्मार्ट अप्रोच ढूंढो एंड आपको शॉर्टकट टेक्निक्स करो, उसके लिए बहुत किताब को मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हो। पढ़ता नहीं है कोई, ऐसे ही घूम घूम के चला जाता है, बट एग्जाम जब हो जाएगा उससे पता चलेगा ये कर लेता तो अच्छा होता, काश हमने कर लेता तो अच्छा होता। तो ऐसे ही है, एंड द माइंड को ठीक रखो। IQ टेस्ट है बेसिकली कैट, हाउएवर इट इज़ दैट इज़ नॉट ए लक का गेम, जिसे साइंस का गेम है, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। एंड मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, रेड बटन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स ओपन द बेस्ट, थैंक यू।